ये मेरा मिनी गार्डन है जिसमें मैंने ये पर्पल हार्ट छोटा सा कटिंग से लगाया था, और आप इसकी ग्रोथ देखो, कितने सारे ब्रांचेज आ गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, सुबह से हम की हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। आपने स्टॉल वगैरह तो निकाल ही लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सर्दियों के बारे में नहीं बता रही, मैं आपको ऐसे प्लांट्स दिखाऊंगी जिन्होंने बीज बनाने शुरू कर दिए हैं, यानी जिनके फ्लावर्स के बीज बनने शुरू हो चुके हैं और जिनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का ऐसा महीना है जिसमें कई प्लांट बीज बनाने शुरू कर देते हैं, फिर हम उनको इकट्ठा करके अगले साल के लिए सेव कर लेते हैं, फिर अप्रैल वाले महीने में फिर से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा अपराजिता का प्लांट और इसमें फलियाँ आ चुकी हैं। पहले फ्लावर्स आए थे, फिर उसकी ये फलियाँ बन गई हैं, और इन फलियाँ में छोटे छोटे ब्लैक कलर के शीड्स हैं जिसको मुझे कलेक्ट करना है। तो ये देखो, बहुत सारे फ्लावर्स आए थे, आपको मैंने दिखाए भी थे वीडियो में, तो मैंने वो फ्लावर्स तोड़े नहीं, तो उनकी ये बहुत सारी फलियाँ बन गई। ये फलियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको मेरे को बीज देने हैं और मुझे भी अगले साल प्लांट्स लगाने हैं। 10 या 15 दिन के बाद में ये जो फलियाँ हैं ये सूख जाएंगी, और सूखने के बाद इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज निकलेंगे। फिर है ये विनका का प्लांट। विनका का प्लांट भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सदाबहार प्लांट होता है, इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और शीड से भी। और ये देखो इसकी फलियाँ, ये ग्रीन ग्रीन आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये छोटी छोटी अभी कच्ची हैं, जब ये भी ब्राउन ब्राउन हो जाएंगी तब इसमें भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के शीड्स निकलेंगे, और उन शीड को हम इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे तो ये शीड्स अपने आप ही गिर के गमले में छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं इससे, लेकिन मैं इनकी ये शीड्स इकट्ठा भी कर लेती हूँ और फिर और अलग प्लांट बना लेती हूँ। तो ये देखो इस गमले में छोटे छोटे ये बेबी प्लांट, ये विनका के ही प्लांट हैं। तो जब भी ये शीड्स गिर जाते हैं यहाँ, क्योंकि ये गमला पास में ही रखा हुआ है, फिर छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं। तो विनका के भी हम किसी भी मौसम में इनके शीड्स को लगा सकते हैं, और सर्दियों में तो इनके सीड्स हम ग्रो कर ही सकते हैं। तो ये देखो छोटा बेबी प्लांट मैंने इसमें लगाया हुआ है। अगला प्लांट है ये फर्न। फर्न की वैसे बहुत सारी वैरायटी होती हैं, इसमें भी छोटे छोटे ऐसे बीज लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस बीज को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा प्लांट मैंने 120 रुपये का नर्सरी से लिया था, तब तो उस पे छोटे छोटे ऐसे शीट्स लगे हुए थे, तब मैंने वो निकाल के आपको एक वीडियो में दिखाए भी थे। अभी इस पे शीट्स आए नहीं हैं, लेकिन इसको भी हम शीट से लगा सकते हैं, इसको बल्ब से भी लगा सकते हैं। ये है पार्सलिन का प्लांट। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है। वैसे तो ये पूरे ही साल फ्लावरिंग देता है, लेकिन दो जब ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो 2 मंथ के लिए ये थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसके फ्लावर्स जब सूख जाते हैं तो छोटे छोटे इसके शीट्स होते हैं उनसे भी हम इसको लगा सकते हैं, तो इनके शीट्स भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्लांट है जब नवंबर और दिसंबर में ये शीट बनाना शुरू कर देते हैं, और हम अगर इनके शीट्स कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर से हम इनको ग्रो कर सकते हैं। और वैसे तो इसकी कटिंग भी लग जाती है, कटिंग भी हम इसकी अगर रखें तो सेव कर लें तो फिर वो भी हम इसको लगा सकते हैं, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं। फिर आता है ये मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया गर्मियों का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसको हम धूप में रख सकते हैं, ज़्यादा केयर की डिमांड भी नहीं करता, और ये गर्मियों में हमें ढेरों फ्लावर्स देता है, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। इसमें भी ये देखो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो फलियाँ हैं इसकी, ये फ्लावर आते हैं फिर इसकी फलियाँ बनती हैं, ये देखो इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, तो इनको भी हम अभी दिसंबर वाले महीने में सेव कर लेंगे। वैसे तो इसमें भी अपने आप ये बीज गिर के नीचे छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं, और अगर ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ होता है तो बहुत ही सारे प्लांट से बन जाते हैं। अगला प्लांट है ये हारशिंगार्स। हारशिंगार पे भी अभी फ्लावर्स आ ही रहे हैं, ये देखो इसके कितने सुंदर हैं फ्लावर्स, और इनमें खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। ये इसको नाइट ब्लूमिंग प्लांट भी बोलते हैं।
यानी ये देखो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ये भगवान विष्णु को, हरि को, सबको पसंद। बट आज सिर्फ शीट्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि नवंबर और दिसंबर वाले महीने में हमें शीट्स कलेक्ट करने होते हैं। इसके छोटे छोटे ऐसे पत्ती के आकार के शीट्स बनते हैं, उनमें सिर्फ एक ही शीट्स होता है। जब ये फ्लावर सूख जाते हैं तो इसके वो शीट्स बन जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊं भी, ये अभी बने नहीं है मेरे प्लांट पे। लास्ट प्लांट है ये तुलसी। तुलसी तो हर घर में होती ही है, तुलसी को कैसे ग्रो करते हैं सबको पता ही होता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप तुलसी के शीट्स भी शेव कर सकते हो, जब चाहे तुलसी को ग्रो कर सकते हो। मैं तो इनके शीट्स तोड़ के किसी गमले में, लगी हो तो गमले में डाल देती हूँ। मैंने तो ये इसमें कबाड़ का यूज़ किया हुआ है, तो इसी में लगा रखे हैं कुछ ऐसे प्लांट। तो ये विनका को भी मैंने इसी में भी लगा रखा है, तो विनका के भी देखो ये फलियां बन गई हैं, ये ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इसको भी तोड़ के सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके शीट्स हम नवंबर और दिसंबर के महीने में सेव कर सकते हैं, और फिर से हम जब सर्दी आएंगी सर्दियों में भी लगा सकते हैं, या फिर जब बारिश वाला मौसम आएगा तब लगा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पर्पल हार्ट। इसके फ्लावर देखो आप, ये मैंने छोटा सा ही कटिंग से इसमें मिनी गार्डन बनाया था तब इसमें लगाया था, और अभी देखो इसकी ग्रोथ, कितनी सारी इसमें ब्रांचेज निकल आई हैं। और ये है जामुन का प्लांट, ये अपने आप ही लग गया मेरे इस मिनी से गार्डन में, लेकिन ये मेरे को बहुत ही सुंदर लगता है इसलिए मैंने इसको फाड़ के फेंका नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा मिनी गार्डन, और कैसे लगे मेरे वो प्लांट्स जो मैंने आपको दिखाए थे, जिनके बीज आप कलेक्ट कर सकते हो। मुझे तो सबसे प्यारा मेरा ये मिनी गार्डन भी लगता है, और जो अपराजिता का प्लांट दिखाया था आपको, उसके फ्लावर्स मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, और उसके सीड्स भी मुझे बहुत सारे इकट्ठे करने हैं और बहुत सारे प्लांट बनाने हैं और सबको देने भी हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी, मेरा वीडियो, मेरे प्लांट्स कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।